नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम बूस्टर डेली डोज द हिंदू और PIBG की आज की डेट है 13 नवंबर 2019। सबसे पहला आर्टिकल सांवर झील के बारे में है। हाल ही में सांवर झील सुर्खियों में है, क्यों? क्योंकि इसमें अभी कुछ पक्षियों की मौत हो गई है, प्रवासी पक्षियों की मौत हो गई है। इसके कारण ये चर्चा में है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि पक्षी जो मरे हैं वो किस कारण से मरे हैं। तो सांवर झील की लोकेशन इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो सांवर झील के बारे में हम जान लेते हैं। सांवर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, यानी खारे पानी की और अंतर्देशीय है। और वैसे कोस्टल लेक जो है वो चिल्का झील है। और यहाँ क्या है, इसके पानी का खारापन जो है वो सबसे ज़्यादा है। यह राजस्थान में है, जयपुर नगर के समीप, और इसकी लंबाई लगभग 35 किलोमीटर है। ठीक है, अगला आर्टिकल स्वच्छ निर्मल तट अभियान के बारे में है। इसको हाल ही में अभी 11 से 17 नवंबर 2019 तक चलाया जा रहा है और इसमें 50 समुद्र तट पर बने तटों को जागरूकता अभियान के तहत उनको सफा सफा करने के लिए, यानी सफाई करने के लिए चलाया जा रहा है। यानी इसका उद्देश्य यह है कि हमारे देश के जो तटीय राज्य हैं उनमें जो बीच बने हुए हैं उनको साफ किया जाए। और यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। इसको 10 तटीय राज्यों में चलाया जा रहा है, जिनमें से पांडुचेरी भी शामिल है। जिनमें कौन कौन सा है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अगला आर्टिकल जस्टिस संजय करोल के बारे में है। ये हाल ही में सुर्खियों में है, क्यों? क्योंकि इनको पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हाल ही में किसको बनाया गया है? तो आंसर होगा उसका जस्टिस संजय करोल को। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 214 के तहत की जाती है, यानी कि उच्च न्यायालय हमारे संविधान में आर्टिकल 214 में है, जिसमें अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जिसमें CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श होना आवश्यक होता है। अगला आर्टिकल इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बारे में है। क्या है ये इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव? सबसे पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। इसको अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड में जो ईस्ट एशिया समिट हुई थी उसमें इस पहल को शुरू करने का प्रस्ताव किया था। ईस्ट एशिया समिट जो थाईलैंड में हुई थी, बैंकॉक में अभी, और इसमें हमारे PM नरेंद्र मोदी ने इसको प्रस्तावित किया था और इसका समर्थन जापान जैसे देश भी इस इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव का समर्थन कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक रीजन आपको ये दिख रहा है यहाँ पर, इस वाले एरिया को इंडो पैसिफिक एरिया कहते हैं। इसमें इसका उद्देश्य यह है कि इस क्षेत्र के मरीन संसाधन यानी समुद्री संसाधनों का उपयोग प्रत्येक देश को अपने क्षेत्राधिकार के तहत मिले और शांति, सुरक्षा और सेफ एंड सिक्योर मैनर में इसमें आवागमन हो। इस कारण इस इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रस्तावित किया है। पूछा जा सकता है किस देश के द्वारा प्रस्तावित है या किस के द्वारा प्रस्तावित है? तो आंसर होगा भारत और प्रधानमंत्री मोदी। अगला आर्टिकल एशिया सोसाइटी गेम चेंजर अवार्ड के बारे में है। एशिया सोसाइटी गेम चेंजर अवार्ड जो है हाल ही में दिया गया है और ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है हमारे हिमाचल में कुंग फू नंस जो हैं उनके लिए। कुंग फू नंस क्या होते हैं? ये एक बौद्ध संप्रदाय जो लोग मार्शल आर्ट टाइप की सिखाते हैं उनको कुंग फू कहते हैं। और
महिलाओं के लिए जो लोग कुंग फू सिखाते हैं उनको कुंग फू नंस कहते हैं, और यह भी हाल ही में इस अवार्ड को कुंग फू नंस को दिया गया है। और कौन है कुंग फू नंस? देखो, कुंग फू नंस क्या है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हिमालय में, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो इन्होंने काम किया है कुंग फू नंस ने, उसके कारण इन्हें एशिया सोसाइटी प्रतिष्ठित गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है। अगला आर्टिकल, नासा के NICIR यानी न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर के बारे में है। न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर के बारे में है। नासा ने अभी हाल ही में क्या किया है, एक स्पाइक पल्सर की खोज की है। स्पाइक पल्सर यानी तेज़ी से गिरता हुआ पल्सर। पल्सर क्या होता है? पल्सर पल्सर एक तेज़ी से घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा होता है। इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और यह एक न्यूट्रॉन तारा होता है, यानी तेज़ी से गति करते हुए न्यूट्रॉन तारा को ही पल्सर तारा कहते हैं। न्यूट्रॉन तारा के बारे में हम जान लेते हैं। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है? इसका साइज़ तो छोटा होता है, लगभग 30 किलोमीटर रेडियस होती है इसकी, लेकिन इसका मास बहुत ज़्यादा होता है, यानी द्रव्यमान बहुत ज़्यादा होता है। इसका घनत्व तो कह सकते हैं हम, इसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा होता है, और यह अपने छोटे से एरिया में कई सूर्यों के बराबर वजन रखता है, यानी इसमें 20 से 30 सूर्यों का वजन होता है, यानी इसमें द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। अतः हम कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन तारा वे तारा हैं जो कम स्पेस में अधिक द्रव्यमान घेरते हैं, या इनका घनत्व तो बहुत अधिक होता है, इनको हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, और तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारा को ही पल्सर तारा कहते हैं। अगला आर्टिकल लोक सेवा प्रसारण दिवस के बारे में है, जिसको अभी हाल ही में 12 नवंबर को मनाया गया था। 1947 में दिल्ली के ऑल इंडिया रेडियो में महात्मा गांधी के द्वारा पहली स्पीच दी गई थी, इस कारण इसको 12 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर को लोक सेवा प्रसारण दिवस, पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को मनाया जाता है, और इसको 2000 से मनाया जा रहा है। अगला आर्टिकल महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के बारे में है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है, और यह आर्टिकल 356 के तहत लगाया गया, यानी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था के तहत लगाया गया है। और यह पहली बार ऐसा है कि महाराष्ट्र में किसी भी चुनाव के बाद सरकार गठन ना होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। वैसे तो इसमें कई बार लगाया जा चुका है महाराष्ट्र में ये, लेकिन यह पहली बार है कि महाराष्ट्र में चुनाव के बाद गवर्नमेंट के गठन यानी सरकार गठन ना होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पूछा जा सकता है हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो महाराष्ट्र। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य में प्रथम बार सरकार गठन न होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो महाराष्ट्र। अगला आर्टिकल SCO के बारे में है। क्या है आर्टिकल, हम जान लेते हैं। भारत 2020 में SCO के शासनाध्यक्षों की अध्यक्षता करेगा। शासनाध्यक्षों की जो 19वीं परिषद की काउंसिल मीटिंग होगी, उसकी मेज़बानी करेगा भारत 2020 में। 2020 में इसकी 19वीं परिषद क्यों होगी? क्योंकि इसका गठन 2001 में किया गया था SCO का, इस कारण 2020 में जो परिषद होगी उसकी अब उसको 19वां सम्मेलन कहा जाएगा। भारत 2020 में SCO के बारे में हम जान लेते हैं। SCO को संघाई पैक्ट के तहत 2001 में स्थापित किया गया था। इसमें 8 सदस्य हैं, चाइना, रसिया यानी रूस, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इसके 4 पर्यवेक्षक राज्य भी हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, और 6 संवाद साझेदार हैं यानी अजरबैजान, आर्मेनिया,
कंबोडिया, नेपाल, तुर्की, श्रीलंका, ये आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको केवल इसके मेंबर कंट्री याद रख लेने हैं। कौन कौन से हैं? चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी और भारत और पाकिस्तान को 2017 में इसमें शामिल किया गया था ताशकंद सम्मेलन के तहत। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज छोटी सी है, मैच फिक्सिंग से संबंधित अपराधों का अपराधीकरण करने वाला श्रीलंका पहला दक्षिण एशियाई देश बन गया है। इससे पहले भी कई देशों ने इसको अपराध घोषित किया जा चुका है, लेकिन दक्षिण एशियाई यानी साउथ ईस्ट एशिया में पहला देश बन गया है जिसने मैच फिक्सिंग को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। अगला आर्टिकल ब्राज़ील में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक के बारे में है। ब्राज़ील में, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में अभी हाल ही में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की नवीं बैठक आयोजित की गई और इसमें हमारे केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी भाग लिया। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है और वहीं इसका आयोजन किया जा रहा है। ब्राज़ील के बारे में कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि ब्राज़ील कहवा उत्पादन में विश्व में नंबर वन है, यानी कहवा उत्पादन में ब्राज़ील नंबर वन है और यह दक्षिण अमेरिका का देश है। ब्रिक्स के बारे में क्या है? ब्रिक्स जो है पांच देशों का समूह है जिसमें ब्राज़ील, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और रूस हैं। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी मूल रूप से और तब इसे ब्रिक कहा जाता था, तब इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, लेकिन साउथ अफ्रीका को 2010 में इसे शामिल किया गया था, तब से इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। अगला आर्टिकल भारत के बारे में है। भारत खाद्य और कृषि के संयंत्र आनुवंशिक संसाधनों की अंतर्राष्ट्रीय संधि में शामिल हो गया है। अभी भारत रोम में इटली में आयोजित खाद्य एवं कृषि के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि के 8वें सत्र में शामिल हुआ था। इसमें भारत ने इस संधि को औपचारिक रूप से अपना लिया है। संधि में क्या क्या था? संधि में जैविक विविधता पर समझौते के अनुरूप जो कृषि होती है उसके लिए यह संधि की गई थी और इसको फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी जो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संगठन है इसके तहत इसे बनाया गया था और इसका मुख्यालय रोम इटली में है। आज की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।